You're watching Today Express News. प्रेस कॉन्फ्रेंस के आरोप लगाए हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आरोप तो उनने किसी पे लगाए नहीं है। वो तो ये कहे जा रहे हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो किया, मैंने पार्टी को यहाँ स्टैंड करवा दिया, मैंने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दे दी, मैंने पार्टी को खड़ा कर दिया। तो वो या तो ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने ही सब कुछ किया, मेरा तो उनसे यही सवाल होगा, या फिर मेरी जो चिंता है वो यही है कि अगर सभी कुछ उनने किया तो पार्टी में और सैकड़ों लाखों हजारों लोगों की आवश्यकता ही क्या थी जब सभी कुछ वो कर रहे थे। तो अगर वो इतने ही सुप्रसिद्ध और लोगों के लवेबल थे और लोगों के चहीते थे तो फिर सभी कुछ वो अकेले ही कर रहे थे। बाकी लोगों का तो कोई सेक्रीफाइस, कोई कुर्बानी, कोई बाकी लोग जो सुबह से लेकर शाम तक अपने बच्चों के मुंह का निवाला छीन कर इस पार्टी को खड़ा करने में लगा रहे थे, वो तो गलती कर रहे थे, क्योंकि अल्टीमेटली तो अभय सिंह जी ने ये कहना ही था। तो जिस तरह से पार्टी से निष्कासित किया गया अजय सिंह जी को, एक एक करके अजय सिंह चौटाला को भी पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, क्या इससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट क्या होगा कि झूठ की कितनी बड़ी बुनियाद खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। सर, आज ये झूठ का माउंट एवरेस्ट बनाने का काम इन लोगों ने किया, जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी 12 तारीख तक उनके माध्यम से ये लोग ये कह रहे थे कि हम उनसे मिलके आए हैं, वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। 12 के बाद 13 को वो किसी से मिल नहीं सकते थे क्योंकि वो वापस गए हैं जेल, और ये तो रिकॉर्ड भी कहता है वो किसी से मिले नहीं है। और 14 की सुबह जो कि आज है, वो ये लेटर दिखा रहे हैं कि हमने इनको बाहर निकाल दिया। तो ये दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। एक पार्टी के अंदर इतनी गहरी साजिश, कुछ 4 या 5 लोग चंडीगढ़ में बैठ करके और एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, ये तो हमें कल रात को पता चल गया था। मैंने आपको कुछ लोगों को तो सूचित भी किया कल रात को कि ये होने जा रहा है, मेरी बात पे आप यकीन कीजिए, क्योंकि उस लेटर को जब चंडीगढ़ ऑफिस में बनाया गया तो मुझे हमारे भी सोर्सेज हैं, उनने हमें खबर दे दी थी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के कहने पे ये लेटर बन चुके हैं और अब ये प्रिंट हो जाएंगे और ऑटोमेटेड मोहर लग जाती है। आजकल सिग्नेचर की किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो तो सिग्नेचर तो पुराने कॉपी होकर के वैसे ही नजर आते हैं। तो क्या आपका मानना है कि सिग्नेचर फर्जी है? सिग्नेचर नहीं, सारा ही कुछ फर्जी, लेटर भी फर्जी है, इनकी नीयत और नीति ठीक नहीं है। और नियत और नीति जब किसी व्यक्ति की ठीक नहीं होती तो फिर अंदाजमन 17 तारीख को आप देखेंगे जब लाखों लोग वहाँ जुटेंगे, जींद के अंदर कार्यकर्ता जुटेंगे, वो फैसला करेंगे। चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि पार्टी का फैसला कार्यकर्ता करेंगे, नेता नहीं या व्यक्ति विशेष नहीं कर सकते और ना ही उनको करने दें। अब 17 तारीख को आरोप है कि 4 साल पहले जो पार्टी में आए आप या दुष्यंत, उन्होंने पार्टी को बिखेर, मैं अभय सिंह चौटाला जी शायद भूल गए, उनकी याददाश्त कमजोर हो गई, या इन लोगों ने जो साथ रहने वाले हैं इन्होंने उनकी याददाश्त पर पानी फेर दिया। अभय सिंह चौटाला जी को शायद याद ना हो, जिस चुनाव को जीतने की वो बड़ी बड़ी हुंकार भर रहे थे आज मीडिया के सामने, उस चुनाव में डोर टू डोर तकरीबन 11 गांव में तो मैं घूमा हूँ, स्वयं एक जोन में दुष्यंत जी घूमे, और मेरे पिताजी ने 1 महीना सब कुछ छोड़ करके उस चुनाव के लिए कैंपेन किया, तो वो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। आज निष्कर्ष है जो क्या माना जाए उसको कि जींद के लिए जो बैठक बुलाई गई उसको देखते हुए नेचुरली किया गया है, क्योंकि एक जहां भी अजय सिंह जी जा रहे हैं वहां पर 80-90% पार्टी खड़ी हो रही है साथ आकर, और 10% जो बची हुई है वो सिर्फ इस बात के लिए बची हुई है कि हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जो निर्देश होगा उसको मानेंगे। अब वो स्पष्ट हो गया कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को भी सुपरसीड करने का काम लीडर ऑफ अपोजिशन ने कर दिया पार्टी को हाईजैक करने के लिए। तो अब तो तय है कि वो 10% लोग भी 17 तारीख को इंडियन नेशनल लोकदल पूरी पार्टी वहां आ जाएगी, और 17 को इन्हें भी मीटिंग बुलाई, आप देख लेना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन कहां है 17 को? एक बात और सामने आई है कि अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि अजय सिंह चौटाला से पहले वो पार्टी में आए हैं, 10 साल अजय सिंह चौटाला राजस्थान की राजनीति करते रहे हैं। तो राजस्थान के वो किसी कांग्रेस पार्टी के लिए राजनीति कर रहे थे क्या? चौधरी देवीलाल जी ने निर्देश दिए थे कि मैं यहाँ पर तुझे चुनाव लड़वाना चाहता हूँ दातारामगढ़ से, उनके निर्देश पर वहाँ से चुनाव लड़े थे, उसके बाद नौर से चुनाव लड़े, वो किसी भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़े या मुस्लिम लीग के लिए चुनाव लड़े थे? वहाँ से इंडियन नेशनल लोकदल के लिए लड़े होंगे, जनता दल के लिए लड़े होंगे, उससे क्या जनता दल मजबूत नहीं हुई, लोकदल मजबूत नहीं हुई? और उसके बाद संगरिया में जो हश्र हुआ, क्या मुझे उसका जिक्र करना चाहिए? मीडिया के लोग भी कई बार इतिहास को भूल जाते हैं। जो कुरुक्षेत्र में 2004 में हश्र हुआ, जमानतें जब्त हुई, क्या उसको आप भूल गए इतनी जल्दी? वो तो सिर्फ ये गिनवा रहे हैं कि मैंने उस चुनाव को जीता, मैंने उसके अंदर किला फतेह किया। आप लोकसभा के चुनाव में जो आपका हश्र हुआ, जो संगरिया में हश्र हुआ, जो जिला परिषद में मेरी मदर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक जो ये कहते हैं कि हालात नहीं थे वहाँ पर चुनाव लड़ने के, और सब लोग ये चर्चा कर रहे थे कि क्या जिला परिषद के लेवल का चुनाव
आपको लड़ना चाहिए, फिर भी उनकी जिद कि मैं लड़ूंगा। जिस जगह से मेरी माता जी जीत करके आई 7,000 वोट से, वहीं ये स्वयं जाकर के चुनाव लड़े, एक जिला परिषद का चुनाव, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का परिवार 7,000 वोट से हार जाए, हरियाणा में सबसे बड़ी हार, ये पार्टी को आपने मजबूत किया है। हम ज्यादा कहना नहीं चाहते, मगर आज आपने सारी सीमाओं को, लक्ष्मण रेखा को, लक्ष्मण रेखा को लांघने का काम आज अभय सिंह चौटाला जी ने अपने बड़े भाई पर उंगली उठा करके किया है। तो फिर आज कहीं ना कहीं हमें भी अपने मन की बात कहनी पड़ेगी और खुल करके कहेंगे। आज हम जा रहे हैं चंडीगढ़ और जाकर के सभी सीनियर से बात करेंगे और उनसे बातचीत कर करके आगे का रास्ता। दिग्विजय, उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने कहा कि अजय सिंह जी और उनके परिवार ने अभी तक भाजपा और कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कहा, जब तक भाषण चल रहे हैं। अजय सिंह जी ने और उनके परिवार ने जो भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और गाँव गाँव गली गली जाकर के लड़ाई लड़ते हैं, तो उसको शायद वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। और अजय सिंह चौटाला जी ने 650 किलोमीटर की पदयात्रा की थी, वो कोई अपनी छवि को बनाने के लिए नहीं की थी और मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं की थी। मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को बनाना था और कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जो है वो पदयात्रा की थी। जो भी आज तक संघर्ष किया उसमें एक बहुत बड़ा योगदान अजय सिंह चौटाला जी का है, उसको कभी भी नज़रअंदाज करने की कोशिश ना तो कोई कर पाया है ना कोई कर पाएगा। ये कुछ लोग, 2-4-5 गिने हुए लोग, कॉन्स्पिरेसी से भरे हुए लोग, मैं आपको विश्वास और भरोसा दिला सकता हूं कि जिस दिन इनके नाम सार्वजनिक होंगे और 2019 में चुनाव होंगे तो इनके हाल चुनाव में क्या होंगे वो जनता तय करेगी। मैं फिर कह रहा हूं कि अभय सिंह चौटाला को या किसी व्यक्ति विशेष को ये कोई अधिकार नहीं है कहने का कि मैंने पार्टी के लिए किया, ये तय जनता का काम है। दिग्विजय चौटाला अगर ये कहे, मैं अगर गिनवाने लग जाऊं तो फिर मेरे पास तो उनसे बहुत बड़ी सूची है, अजय सिंह चौटाला जी का तो कहना ही क्या। दिग्विजय, सारी सूची और उन सारी चीजों के बारे में ना जिक्र किया जाए और पार्टी को कितना सहना पड़ा है उसके बारे में जिक्र ना किया जाए, हम सकारात्मक लोग हैं। आज पार्टी से पार्टी के लोगों को निकालने की जरूरत नहीं है, चौधरी देवीलाल की तरह बाहें फैलाकर नए लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है और उस काम में हम निरंतर लगे हुए हैं। सरकार इन लोगों की बनेगी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में। तो दिग्विजय, 17 को अब क्या रणनीति रहेगी 17 तारीख को इस फैसले के बाद? रणनीति तो पार्टी के सीनियर तय करेंगे, वो जो भी रणनीति होगी उस पर हम उनके साथ सहमत होंगे। आप पार्टी में रहेंगे? आप कैसी बात कर रहे हो, आप पार्टी में तो हम हैं, पार्टी में हम हैं, हम थे और हम रहेंगे। मैं ये कहता हूँ कि हम पार्टी से निकालने वाले लोग नहीं है किसी को, पार्टी के साथ जोड़ने वाले। दिग्विजय, आज राजनीति जरूरी बात जो समझने की है, आज प्रयास ये हुए मुझ पर भी, दुष्यंत पर भी, डराकर धमकाकर जो कुछ लोगों के नेचर हैं कि इनको दबा लिया जाए, बट हम 21वीं सदी के नौजवान हैं और जिस पीढ़ी के साथ हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं वो पीढ़ी भी इस तरह के स्वभाव को पसंद नहीं करती। आज राजनीति में विनम्रता का स्वभाव है, आज राजनीति के अंदर लोगों को जोड़ने का स्वभाव है। आज ये डांटने का, जूते निकालने का, गोली चलाने का जो समय है वो राजनीति से जा चुका है। आज राजनीति जो है वो सबको प्यार करने की है, एक दूसरे के साथ मिलकर के सकारात्मक सोच पैदा करने की, और जो सकारात्मक होगा आपने देखा वही आगे बढ़ेगा, जो इस तरह की सोच वाला है वो कहीं ना कहीं कोसों दूर चला जाएगा। और ये फ्रस्ट्रेशन है अजय सिंह चौटाला के जो प्रेम है उनके प्रति, जनता के अंदर उनके जो प्रति मोह है उसको देख करके फ्रस्ट्रेशन है कि ये जो अपने आप को जो है ना टॉप ऑफ द लाइन लीडर्स मानते थे, आज सारे चंडीगढ़ में अकेले बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि हमने ये लेटर जारी कर दिए, ये कर दिया, हमने पार्टी के लिए ये किया। ये तो 17 तारीख को तय होगा कि इंडियन नेशनल लोकदल में कौन है और कांग्रेस पार्टी में। मैं तो आप ही से फैक्चुअली पूछ रहा हूं कि 12 तारीख तक जब इन्हीं के लोग कह रहे थे सब ठीक है, या तो ये झूठ बोल रहे थे या तो ये लेटर 12 तारीख से पहले चौटाला साहब ने जारी किया है। मगर जब 12 तारीख तक ये कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, 13 तारीख को मिल नहीं सकते थे, 14 तारीख को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो ये लेटर कहां से आया? तो क्या चैलेंज करेंगे? दिग्विजय जी, लास्ट सवाल, चैलेंज क्या करने की जरूरत है? चैलेंज को ये कोर्ट के अंदर थोड़ी मामला। दिग्विजय जी, अब तक जो फैसले लिए थे आपके निष्कासन का हो रहा है, आप मानते हैं सारा ओम प्रकाश चौटाला जी के बिना सहमति के? ये आर एस चौधरी एक व्यक्ति है, हमारी पार्टी के सीनियर नेता है, हम उनकी इज्जत करते हैं, उम्र में बहुत बड़े हैं, मगर वो बहुत गहरे साजिश करता है, उनकी लैंग्वेज है। कल रात को ये जो अजय सिंह चौटाला जी के नाम पे लेटर बना, ये भी उन्हीं के हाथों से लिखा हुआ टाइप हुआ लेटर है और जो सिग्नेचर्स हैं वो ऑटोमेटेड सिग्नेचर्स आजकल कोई किसी के नहीं। आपके हिसाब से इन सारी बातों को चौटाला साहब को अंधेरे में रखा जा रहा है? चौटाला साहब को बाद में बताया जा रहा है, क्योंकि जब हम 17 तारीख को उनसे मिले थे उनको ये भी नहीं पता था कि हमारी सस्पेंशन हो चुकी है उनके नाम से, टर्मिनेशन का भी उनको ऐसे नहीं पता होगा। मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है, लेकिन माहौल इस तरह से बनाया जा रहा है, या तो दुष्यंत मुख्यमंत्री हो, माहौल इस तरह से बनाया जा रहा है, माहौल इस तरह से बनाया जा रहा है, कोई भी प्रोग्राम होता है
तो अभय सिंह जी की फोटो जो है वो 6x6 की लगती है, और बाकी बड़े बड़े नेता जिनने सारी उम्र कुर्बान कर दी वो कहीं कोने में धकेल दिए जाते हैं। माहौल इस तरह का बनाया जा रहा है कि मैं तो बहुत बड़ा त्यागी हूँ, तपस्वी हूँ, कुर्बान मैंने सब कुछ कर दिया, मैंने ये जीता, मैंने वो फतेह किया, मैंने वो हासिल कर कर छोड़ दिया। तो फिर आपको समझ जाने चाहिए बात, ये प्रधान महासचिव की हैसियत से बैठक बुलाई गई थी जींद में, अब जैसे निष्कासन हो गया तो क्या मानते हैं इसका कोई नकारात्मक प्रभाव जैसे विधायक हैं दूसरे पदाधिकारी पर? अब क्या है कि जो लोग संशय में थे, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये लोग बेकायदियां कर रहे हैं निरंतर, और एक संशय भी पैदा कर रहे हैं ऑन द अदर साइड आप लोगों के बीच में कि सब कुछ ठीक होने जा रहा है। अब बादल साहब बुलाने वाले हैं, आज ब्रेकफास्ट पे मिले हैं, कल ये होगा, जिससे कि लोग कहीं इस कंफ्यूजन में रह जाएं कि कल को इनका समझौता हो जाए और तुम बीच के अंदर जो है ना पिस जाएंगे। तो ये सच्चाई ये है कि हम गलत के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मैं आज बड़े विश्वास से कह रहा हूँ, आप इस बात को नोट कीजिए कि मैं मेरा परिवार हमारे से जुड़े हुए कार्यकर्ता गलत के साथ कॉम्प्रोमाइज ना तो पहले करा हमने और ना ही आने वाले समय में गलत के साथ कॉम्प्रोमाइज यानी समझौता करेंगे। उसके लिए चाहे हमें सब कुछ कुर्बान क्यों ना करना। चरणजीत रोड़ी ने मैं चरणजीत सिंह रोड़ी की बात क्यों करूं? आज तो जो सारी कॉन्स्पिरेसी के तमाम सरगना है वो सब बैठे थे, साइड में बैठे थे जब ये बयान दिए जा रहे थे, तो वही लोग तो साइड में बैठे थे, वो लोग साइड में बैठ करके हंस रहे थे। अजय सिंह चौटाला को पार्टी से निकालने पर अब यहाँ पे लड्डू भी बटेंगे, अब जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिएगा, आज वहाँ पे बड़ा अच्छा भोजन लगाया है, मिठाई जलेबी हलवे बांटे जाएंगे,